चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ एंगल हम कर रहे थे एग्जांपल आरडी शर्मा का। तो हमारा फर्स्ट है एग्जांपल नंबर 8 है, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागोन इन डिग्रीज ग्रेड एंड रेडियंस। ओके, तो डेकागोन है आपके पास, तो नंबर ऑफ साइड्स इन डेकागोन क्या होगा? इन डेकागोन नंबर ऑफ साइड्स इन डेकागोन 10 होगा, ठीक है 10 होगा। अब देखिए हमको एंगल निकालना है, एंगल मतलब एक एंगल, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये डेकागोन है, मतलब किसी के भी मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है, मान लीजिए ट्रायंगल ही है आपका कोई पॉलीगोन, मतलब ये ट्रायंगल है पॉलीगोन है। अब देखिए डेका मतलब एंगल, मतलब एक एंगल क्या के बराबर होगा? रेगुलर डेकागोन मतलब जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल बराबर हो। तो हम एक एंगल कैसे निकालते हैं? तो मैंने सिखा रखा है कि आप टोटल इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। टोटल इंटीरियर एंगल जो हम निकालते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री। और एक इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? टोटल इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऐसे निकालते हैं। तो इंटीरियर मतलब मान लीजिए आपका जो इंटीरियर, यहाँ लिख लीजिए लेट एंगल बी थीटा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 8 इंटू 180 डिग्री अपॉन 10। यहाँ से ये कैंसल 8 इंटू दिस 144। ओके 144 डिग्री। अब इसको बोला है कि डिग्री में निकालिए, तो डिग्री में हमने निकाल दिया। देखिए डिग्री में था, डिग्री में आंसर आएगा। अब ग्रेड में निकालिए, तो ग्रेड में कैसे निकालेंगे? तो ग्रेड में तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है। ओके 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 10 अपॉन 9 ग्रेड। तो आपको कितना चाहिए 144 डिग्री। तो इधर भी 144 मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 144 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ग्रेड में मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 9 से कैंसिल होगा, कितना बार में 9 16 9 या 44 16 बार में, तो ये हो जाएगा 160 ग्रेड। इसी तरह से आप इसको बदल लो रेडियन में, तो रेडियन में कैसे बदलेंगे? जब इसी थीटा को आप रेडियन में बदलोगे तो देखो थीटा जो है वो इसके बराबर भी होगा। अब देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो आप इधर डिवाइड कर लो, तो पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। आपको कितना डिग्री चाहिए 144 डिग्री, तो आप दोनों तरफ 144 मल्टीप्लाई कर लो, एटीन के टेबल से ये एट बार में
और ये 10 बार में, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो 4 पाई अपॉन 5 रेडियन, तो 144 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 1, और ये 144 डिग्री किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, तो थीटा आपका 4 पाई अपॉन 5 रेडियन के बराबर हो गया। ओके देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 9 है, इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, देखिए हमको क्या बोला है कि जो आर्क है ना वो सेम लेंथ का है। इफ आर्क ऑफ सेम लेंथ इन द टू सर्कल, जैसे मान लीजिए ये दो सर्कल, पहले हम यहां तक समझते हैं, इन टू सर्कल द आर्क ऑफ सेम लेंथ, मान लीजिए ये दो सर्कल है, इसका एक आर्क ये है और इसका एक आर्क ये है, ये दोनों सेम है, मतलब इसका भी लेंथ एल है और इसका भी लेंथ एल है, हम आर्क को क्या एल से डिनोट करते हैं, ओके, ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर्स। तो देखिए ये मान लीजिए ये वाला आर्क था, ये सेंटर पर 60 डिग्री बना रहा और दूसरा क्या बना रहा, दूसरा सेंटर पर 75 डिग्री बना रहा। ओके तो देखिए मान लीजिए ये बनाया 60 डिग्री और ये वाला आर्क सेंटर पर बनाया 75 डिग्री। ओके एट देयर सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो हमको इनका रेशियो बताना है किनका, इनके रेडियाई का। तो देखिए इसका रेडियाई आर वन मान लीजिए और इसका आर टू मान लीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए लेट आर वन एंड आर टू बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। ओके देखिए हमको क्या दे रखा है, लेंथ बराबर दे रखा है, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट एल इक्वल टू सॉरी थेटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ से आपका एल क्या आ जाएगा, थीटा इंटू आर, क्या आ जाएगा, थीटा इंटू आर। अच्छा देखिए एक आपको मान लीजिए इसका जो है ना ये थीटा वन है और ये थीटा टू है। ओके अब देखिए यहाँ पे जो एंगल होता है ना, जैसे यहाँ पे जो थीटा है ना ये रेडियन में होता है, इसलिए आप थीटा वन जो है 60 डिग्री इसको रेडियन में बदलिए, ये आपका पाई बाय थ्री होता है, क्या होता है 60 डिग्री रेडियन में पाई बाय थ्री होता है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, जैसे आप कर सकते हैं ना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब तो ये चीज़ें पाई अपॉन 180 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। ओके तो आपको 60 डिग्री चाहिए तो आप दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। इसी तरह से थीटा टू क्या है 75 डिग्री, यहाँ पे आप क्या करो दोनों तरफ 75 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका 75 डिग्री क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 15 और ये 36, 3 के टेबल से कैंसिल करोगे 5 और 12 दैट इज 5 पाई अपॉन 12 रेडियन, तो यहाँ इसको लिख दीजिए 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ओके अब देखिए ये हो गया, when theta equal to theta one and r equal to r one, और यहाँ पे when theta equal to theta two and r equal to r two, तो ये वाला क्या बन जाएगा l equal to theta one r one, और ये क्या बन जाएगा l equal to theta two r two। तो देखिए ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन टू मान लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
ये दोनों किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो थीटा वन इक्वल टू थीटा सॉरी थीटा वन इंटू थी इंटू आर वन थीटा टू आर टू। आपको रेशियो किसका निकालना है, फाइंड देयर रेशियो, मतलब हमको आर वन अपॉन आर टू निकालना है, तो दैट इज थीटा टू अपॉन थीटा वन। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आगे यहाँ पे हम आ रहे हैं। अब देखिए आर वन क्या हो जाएगा, थीटा टू अपॉन थीटा वन, तो थीटा टू क्या है आपका, देखिए थीटा टू है पाई फाइव पाई अपॉन ट्वेल्व और थीटा है वन है पाई अपॉन थ्री। तो देखिए इस थ्री से ये फोर बार में और ये पाई से पाई कैंसर, तो आर वन रेशियो आर टू क्या हो जाएगा, फाइव रेशियो फोर, तो ये हो गया आपका, देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टेन है, फाइंड द डिग्री द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप डिस्क्राइब्ड एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपका ये पेंडुलम है, यहाँ से ऐसे बंधा है और यहाँ पे इसका बल्ब, ठीक, ये पेंडुलम जो है ना इस आर्क से स्विंग कर रहा, ये आर्क लेंथ कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे दिया। अच्छा फाइंड द डिग्री द एंगल थ्रू विच, मान लीजिए हमको ये आर्क है और ये हमको एंगल बताना है, ये एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा है, तो हमको बताना है कि फाइंड द डिग्री इन द एंगल थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स, और ये पेंडुलम स्विंग्स ऑफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमको 50 सेंटीमीटर दे रखा। अच्छा तो यहाँ पे आर आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, देखिए ना ये मान लीजिए ये सेंटर है सर्कल का, अगर इसको आप पूरा ऐसे करोगे गोल घुमाओगे तो ये आपका सेंटर आएगा, और सेंटर से अगर हम कोई सर्कमफेरेंस तक लाइन खींचे और उसका मतलब वो जो होता है वो रेडियस होता है, जैसे आप समझे, देखिए ये आपका आर्क है, हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें तो ये एक सर्कल बनेगा। मान लीजिए आपका ई वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है ऐसे, ओके यहाँ से आपने एक ड्रॉ खींचा, ये तो आपका रेडियस होगा ना, देखिए ना सेंटर से सर्कमफेरेंस तक तो रेडियस होता है, तो आपका रेडियस होगा, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, और ये जो होता है ये आर्क लेंथ होता है एल, तो यही आपका क्या है आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर, ओके तो हम जानते हैं। और ये देखिए ना हमको यही वाला एंगल निकालना है, तो आप ऐसे ज्वाइन जब हम करते हैं ऐसे, तो ये वाला एंगल थीटा कैसे निकालते हैं, वी नो दैट कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो हमको एल गिवन है, एल क्या है 10 सेंटीमीटर और ये दिस, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो थीटा 1/5 रेडियन आ जाएगा। लेकिन देखिए रेडियन में हमको नहीं पूछा, यहाँ लिखा हुआ है डिग्री में, हमको डिग्री में बोला है, तो ये रेडियन में नहीं चलेगा, तो अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा मैं यहीं पे बता देता हूँ, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो पता है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, आपको रेडियन में डिग्री में बदलना है, रेडियन से डिग्री, तो आप क्या करो पाई डिवाइड कर दो, इधर पाई डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, तो ये आपका डिग्री में हो जाएगा। आपको कितना रेडियन को डिग्री में बदलना है, 1/5 रेडियन को बदलना है, तो आप इधर भी 1/5 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका उतना डिग्री हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पाई की जगह 22/7 रख दो, 22/7 रख दो। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये 11, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में 18 बार में, तो ऊपर जाएगा तो 18 × 7 126 हो जाएगा अपॉन 11 डिग्री, तो जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11, मैं यहाँ पे लिख दे रहा, तो हमारा जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 126 अपॉन 11 डिग्री।
अब देखिए इस ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे पहले। तो देखिए 126 को 11 से डिवाइड दीजिए, 111 क्या बचेगा, 1 और 16 1 11, ये हो गया 5। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को 11 होल 5 अपॉन 11 डिग्री। अब ये होल को बाहर कर दो, बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 डिग्री 5 अपॉन 11 डिग्री। ओके अब देखिए, अब ये फर्दर तो नहीं जा रहा ना, तो इसको आप आवर से मिनट, मतलब डिग्री से मिनट में बदलिए। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, क्या होता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 5 अपॉन 11 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 5 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 11 डिग्री 300 अपॉन 11 मिनट। अब इसको डिवाइड करिए, वापस से डिवाइड करिए, 11 डिवाइड बाय 300, 2 बार में दीजिए 22, क्या बचेगा 80, 7 बार में देंगे 77 3। अब तो नहीं जाएगा तो इस चीज़ को ऐसा लिख दीजिए 11 डिग्री, मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे 27 होल 3 अपॉन 11 मिनट। अब होल वाला को बाहर कर दीजिए, तो 11 डिग्री 27 मिनट 3 अपॉन 11 मिनट। अब ये डिवाइड नहीं जा रहा ना, ये देखिए फ्रैक्शन में है लेकिन ऊपर वाला जो है वो छोटा है और नीचे वाला बड़ा, तो अब ये डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसको सेकेंड में बदल दीजिए। सेकेंड में कैसे बदलेंगे, देखिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो दोनों तरफ 3 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सेकेंड में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट और 180 अपॉन 11 सेकेंड। अब फिर से डिवाइड कर दीजिए, वन एट्टी डिवाइडेड बाई 11, 1 बार में 11, दूसरा में 76 4। अब तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड, ये हो गया आपका डिग्री में। ओके देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप, इफ अ हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब्स द मैटर व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड आउट 72 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। देखिए बोल क्या रहा, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप, मान लीजिए यहाँ पे हॉर्स को बांधा गया है। अच्छा, इफ द हॉर्स मूव्स अ सर्कुलर पाथ, मान लीजिए हॉर्स जो है वो सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा मूव कर रहा है, तो मान लीजिए ये ऐसे ज्वाइन है, ठीक, हॉर्स जो है मतलब ऐसे बांधा हुआ है, इसके ऐसे से गोल गोल घूम रहा है हॉर्स। देखिए आप इसको चीज़ को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने हॉर्स को यहाँ पे बांधा, अब हॉर्स या तो ऐसे ऐसे जा सकता है लेकिन वो ऐसे नहीं घूम रहा, वो ऐसे घूम रहा ऐसे सर्कुलर पाथ में, मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। देखिए यहाँ पे यही बोला, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, मतलब जो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ना कि रोप जो है ना वो टाइट है एकदम, मतलब वो जितना आगे जा सकता था उस तक आगे तक जा रहा है, मतलब ये वाला जो दूरी है ना ये पूरा मेंटेन है, मतलब एकदम टाइट है, इससे ज़्यादा अब हॉर्स नहीं जा सकता वरना, ऐसा समझे ना, अगर हम जब किसी भी गाय को हम रस्सी बांधते हैं गर्दन में और अगर वो उस रस्सी का जो है लंबाई रहता है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसके आगे उसका
गर्दन दबने लगता है तो वो आगे जा नहीं पाता। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, मतलब जो रोप है ना वो एकदम टाइट है, उसके आगे हॉर्स जा नहीं सकता। एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर, ये जो ये हमको 88 मीटर दे रहा, ये वाला 88 मीटर, तो जो रोप है उसका लेंथ हमको 88 दे दिया है कि पूरा टाइट है वो, उससे आगे अब हॉर्स नहीं जा सकता। तो हाइएस्ट जो सर्कल बन रहा है वो यही वाला आर्क से सर्कल बनेगा। अच्छा, व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड आउट 72 डिग्री, जबकि जो एंगल है ना वो 72 डिग्री है ये वाला, एट द सेंटर, मतलब उस आर्क को अगर हम कंप्लीट करें और जो हमारा सर्कल बनेगा ना उस सर्कल पर जो एंगल होगा वो 72 डिग्री होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो हमको बताना है कि जो रोप है उसका लेंथ कितना है। अच्छा अच्छा मिस्टेक, देखिए ये चीज़ नहीं, 88 मीटर आपका ये वाला है ना, देखिए अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप, इफ अ हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इट वाज स्ट्रेच्ड, तो मतलब वो 88 मीटर घूम पा रहा जबकि वो मतलब उसको जब भी ट्रेस किया गया। तो हमको पूछा है कि रोप का लेंथ क्या होगा, तो जो रोप का लेंथ यही होगा ना, रोप का लेंथ मतलब वो टाइट है ना रोप, तो जो रोप का लेंथ होगा वही क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। मतलब जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने रस्सी से यहाँ पे हॉर्स को बांधा, अब हॉर्स क्या करा ना ऐसे गया, अब इससे आगे मान लीजिए कि हॉर्स जा नहीं सकता तो वो क्या करने लगा, ऐसे घूमने लगा, ऐसे ऐसे, समझ गया ना। तो यही आर का जो लेंथ है वो 88 मीटर है, क्लियर है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो आपको थीटा है वो तो 72 डिग्री है, एल जो है वो 88 मीटर है, तो आपको पूछा है कि रोप का लेंथ क्या होगा, मतलब आपका रेडियस क्या होगा, ऐसा पूछा है। ये हो गया, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, तो यहाँ लिख लीजिएगा लेट आर बी दी लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, ओ पी सॉरी ए बी, ऐसा दे दीजिए थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा ए बी का जो लेंथ है वो 88 मीटर है, एंगल ए ओ बी जो है वो 72 डिग्री, ऐसा आप सब लिख सकते। वी नो दैट थीटा क्या होता है, एल अपोन आर होता है, हमको यही वाला लेंथ निकालना है, मतलब हमको आर ए निकालना है। तो देखिए थीटा हमको दे दिया 72 डिग्री, लेकिन यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो रेडियन में होता है, तो हम इसको रेडियन में बदलेंगे, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से पाई अपॉन 180 रेडियन बराबर 1 डिग्री आएगा। ओके, तो हमको कितना डिग्री चाहिए, 72 डिग्री, तो आप दोनों तरफ 72 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल कर लेंगे 3 से, सॉरी 18 से करते हैं, तो हो गया 10 और ये 4, 2 और ये 5, तो 72 डिग्री किसके बराबर आएगा, 2 पाई अपॉन 5 रेडियन के बराबर। हो गया। अच्छा, तो आपने थीटा को रेडियन में बदल लिया, अब यहाँ पे रख दीजिए 2 पाई अपॉन 5 इक्वल टू एल अपॉन आर, एल क्या है 788 और आर तो हमको चाहिए ही, तो आर को आप इधर मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको कैंसिल कर दो, 44 हो गया, तो ये हो जाएगा 44 × 5/π, 44 × 5/22/7, ये हो जाएगा 2 और ये ऊपर जाएगा 70 मीटर आंसर आ जाएगा। ओके, देख लीजिए, देखिए आप समझ, जैसे यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था ना क्वेश्चन में, कि जो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हॉर्स टाइड है,
वो जो है मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ, वो सर्कल के पाथ में घूम रहा है। अच्छा, कीपिंग द रोप टाइट, मतलब वो ऐसा एकदम मतलब इस ऐसा पूरा रोप एकदम टाइट करके रखा है, अब उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए अब यहाँ से ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा, डिस्क्राइब्स 88 मीटर व्हेन इट टर्न्स, तो वो घूमते हुए पाया गया कि वो 88 मीटर घूमा है। अच्छा, और जो एंगल बन रहा था ना सेंटर, वो वाला मान लीजिए 72 डिग्री बन रहा था, तो आपको बस यही पूछा था कि ये जो रोप है इसका लेंथ क्या होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल नंबर 12 है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, देखिए पहले हल्का हल्का समझते चलते हैं। सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, ये मान लीजिए सर्कुलर वायर है, ठीक, जिसका रेडियस 75 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इच कट एंड बेंड। हमने इसको मान लीजिए सर्कमफेरेंस के यहाँ से काट दिया गया, मान लीजिए यहाँ से एक कट काटा और कट गया ये, उसके बाद इसको ऐसे खोल लिया वायर को, उसके बाद बेंड कर दिया और बेंड अलोंगा सो एज लाई अलोंगा सर्कमफेरेंस के अलोंग रख दिया, मतलब जितना वायर था ना, देखिए वायर आया कहते हैं, देखिए ये पहले एक सर्कुलर वायर था जिसका रेडियस इतना था 7.5 सेंटीमीटर, ओके, इज कट एंड बेंट, इसको यहाँ से मान लीजिए इसको काटा तो ये कैसा दिखने लगा, ये ऐसे दिखा, ऐसे कट के मान लीजिए ऐसा आ गया पूरा, मतलब ऐसे ज्वाइन कर लीजिए ना, यहाँ से काटा ऐसे कट गया, अब इसको उठाया और बेंड करके मतलब सर्कमफेरेंस के लो हेलो मान लीजिए कुछ ऐसा कर दिया, इसको ऐसे बेंड कर दिया बेंड। अच्छा, ओफा हुप, हुप मतलब घेरा, घेरा जैसा हिंदी में मतलब इसका घेरा, घेरा बना दिया ऐसे, हुज रेडियस, और इसका जो रेडियस था ना, मान लीजिए इस पूरा सर्कल अगर कंप्लीट होगा यहाँ पे आके ज्वाइन होगा, तो इसका जो रेडियस था वो 120 सेंटीमीटर बताया। फाइंड द डिग्री ऑफ एंगल, हमको यही एंगल थीटा बताना है विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द
लूप, हुप मतलब यहाँ पे हुप है, हुप मतलब घेरा, मतलब या फिर आप लाइट कर्व बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लाइट कर्व, जो कर्व होता है ना वही है घेरा, तो इसको काटा और कर्व बना दिया, ओके, हुप का मतलब कर्व। अब देखिए, तो हमको मेन दिक्कत ये है कि हमको थीटा निकालना है, रेडियस तो दे दिया, बेहतरीन चीज़, थीटा पता चल गया, रेडियस दे दिया, मतलब थीटा निकालना है, रेडियस दे दिया, हमको उसको लिए पहले ये लेंथ निकालना होगा। तो ये लेंथ कितना होगा, ये देखिए ना, ये जितना होगा उतना ही तो लेंथ होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम इसका पूरा सरकमफेरेंस, यहाँ पे बोला है सरकमफेरेंस ऑफ अ हुप, मतलब अलोंग सरकमफेरेंस, तो इस सर्कल का हम जो सरकमफेरेंस निकालेंगे, इस सर्कल का जितना सरकमफेरेंस होगा यही इस कर्व का क्या होगा, लेंथ होगा, क्लियर है। तो यहाँ देखिए, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर जो है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर वायर। देखिए सरकमफेरेंस हमको क्यों निकालना पड़ा सर्कुलर वायर का, दैट इज 2 पाई आर, और आर क्या है, 7.5, तो 2 इंटू 7.5 क्या हो जाएगा, 15 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर, और रेडियस जो है हुप का, रेडियस ऑफ द हुप मतलब कर्व का, वो क्या है, यहाँ पे हुप ही, हुप मतलब कर्व, ओके, ये आपका 120 सेंटीमीटर। देखिए हमने बोला कि हमको थीटा चाहिए होगा, हमको थीटा निकालना है और हमको रेडियस दे दिया, लेकिन ये लेंथ नहीं था, लेकिन हम लोग को एक कहानी दे रखा था कि एक सर्कुलर वायर है 7.5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, उसको काटा गया है सरकमफेरेंस के एलोंग, मतलब यहाँ से मान लीजिए कि काटा गया, उसको सरकमफेरेंस के एलोंग ही कर्व बनाया, मतलब यही ये जो काटा, ये पूरा जितना लेंथ का है ना उसी से ये कर्व बना है, कर्व पता चल गया। तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, ये टोटल लेंथ तो इस सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, ये लेंथ कैसे निकलेगा, अगर आपको बोले ये लेंथ निकालो इस सर्कल का जिसका रेडियस इतना है, तो आप क्या करोगे, सरकमफेरेंस निकाल दो, और जो इसका सरकमफेरेंस होगा वही तो इसका होगा ना, और यही इसी से तो ये कर्व बना है, तो इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, 15 पाई सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अच्छा हो गया, बस अब लगा दीजिए, वी नो दैट ये थीटा इक्वल टू एल अपोन आर, तो थीटा क्या हो जाएगा, 15 पाई अपॉन रेडियस 120, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 8 रेडियन, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डिग्री में बोला होगा, हाँ देखिए डिग्री में बोला है, तो इसको डिग्री में बदलिए, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको इधर ले आए, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, हमको पाई अपॉन 8 रेडियन पूछा है, तो आप दोनों तरफ पाई अपॉन 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए पाई से पाई कैंसल, ये हो जाएगा क्या, 45 45 ना, हाँ, और 2 ये हो जाएगा 45 बाय 2 डिग्री। अब ये डिवाइड हो सकता है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, मतलब इसको ये फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए पहले, तो 2 डिवाइड बाय 45, ये हो जाएगा 2, 22 से देंगे 44 और 1, ये हो जाएगा 22 डिग्री 1 अपॉन 2 वल होल डिग्री, तो ये जो भाई ये बाहर हो जाएगा 22 डिग्री 1 बाय 2 डिग्री। अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 बाय 2 डिग्री बराबर 1 बाय 2 इंटू 60 दैट इज मिनट, तो ये हो जाएगा 30 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, जो थीटा होगा आपका वो 22 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा।
ओके देख लीजिए।